हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट और GDS का सबसे भरोसेमंद चैनल GDS 24x7, और मैं आपका दोस्त रोशन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन GDS के लिए जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी देते हैं कि अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्या और टर्म एंड कंडीशन लगे हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति। केवल डाक सेवक संवर्ग में होगी नियुक्ति। अधिकतम 3 वर्ष में प्राप्त करनी होगी योग्यता। न्यूनतम TRCA पर मिलेगी नियुक्ति। वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने तक नहीं मिलेगी वार्षिक वेतन में वृद्धि। जारी तिथि अर्थात 9/2/2022 से प्रभावी होगा आदेश। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंट थे, अब इसके डिटेल्स में हम लोग चलते हैं। अब सेवा काल के दौरान मृत ग्रामीण डाक सेवक के आश्रित को वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। डाक महानिदेशालय के ग्रामीण डाक सेवक अनुभाग द्वारा 9/2/2022 को जारी आदेश क्रमांक 17-01/2017-GDS Vol. 1 के अनुसार अब सेवा काल के दौरान मित्र ग्रामीण डाक सेवकों के आश्रित को संबंधित पद के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, बरसते वे नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ले। उक्त आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार की नियुक्तियां केवल डाक सेवक संवर्ग में ही दी जाएंगी जो निम्नलिखित 3 शर्तों के अधीन होगी। तो पहला शर्त ये है कि इस प्रकार की नियुक्ति पर न्यूनतम TRCA ही देय होगा तथा वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद नियमित नियुक्ति होने तक वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस प्रकार की नियुक्ति ग्रामीण डाक सेवक सेवा एवं आचरण नियमावली 2020 के नियम 8 के अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः अस्थायी और वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के शर्त के अधीन रहेगी। और तीसरा पॉइंट है कि नियमित नियुक्ति होने तक किसी प्रकार की स्थानांतरण ट्रांसफर की सुविधा नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेश जारी होने की तिथि अर्थात 9/2/2022 से ही लागू हो गया। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है उन अनुकंपाधारी GDS के लिए जिसके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट निकल के आया है।